हारिस रऊफ, नहीं, टेपिया हारिस रऊफ, वो हारिस रऊफ जिसकी वजह से हम कल का मैच हारे, वही हारिस रऊफ जब 15 रन चाहिए थे तो नौ मौलूद बच्चे T20 क्रिकेट की में किस तरह में आप कह सकते हैं कि नौ मौलूद बच्चे थे क्रिकेट में, वो नौ मौलूद बच्चे थे जितनी क्रिकेट उन दो लड़कों ने खेली हुई थी इतनी तो हारिस रऊफ ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेल ली थी। उन दो बच्चों के सामने वो 15 रन खा गया। 15 रन खाना ओवर में, लास्ट ओवर में बचाना तो चलो एक तरफ, असल जुर्म तो ये है कि आपने जो है वो सामने का लड़का यानी कि आपने लॉन्ग ऑफ का लड़का ऊपर बुलाया हुआ है और आप भल्ले के नीचे बॉल करा रहे। इसके हवाले से सलमान बट ने बड़ा खूबसूरत जो है वो एक जुमला कहा है कि ये वो किड है, ये वो बच्चा है जिसका दिमाग ग्राउंड के अंदर नहीं होता, जिसको पता ही नहीं होता कि उसने बॉलिंग क्या करनी है, जिसको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी फील्ड कहाँ है और उसने बॉलिंग कहाँ करनी है। और यही वजह है कि मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस बात के ऊपर इत्तेफाक करता है कि हारिस रऊफ टेपिया है। वो टेपिया है, वो पटकता है, वो 150 की स्पीड से आके बॉल मारता है और उसकी एक यही स्ट्रेंथ बनी हुई थी, उसको शुरू में विकेटें मिल रही थी, अब वो दबाकर जो है वो मार खा रहा है। मतलब आपको अगर लास्ट ओवर में 15 रन बचाने हैं, सामने छोटी टीम, हलवा टीम, बच्चों जैसी टीम अगर आपके सामने मौजूद है और आप उसके सामने से 15 रन भी नहीं बचा सकते, तो मेरा ख्याल है भाई आप घर चले जाओ, आप घर चले जाओ, आपकी फिर ज़रूरत नहीं है। यकीन माने आपकी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं है जो नौमौलूद बच्चों के सामने, जो छोटी टीम के सामने 15 रन भी ना बचा सके। और ये आज ऐसा नहीं हुआ, पिछले कुछ टाइम से आप निकाल के देख लो, हारिस रऊफ ने मतलब 50 तो चार ओवर में 50 कराना तो उसके ना बाएं हाथ का काम है, दाएं हाथ से बॉलिंग कराता है लेकिन बाएं हाथ का काम है कि चार ओवर में 50-60-70 तक तो ये आराम सुकून से पहुंच जाता है और ये इसका रिकॉर्ड रहा है। नहीं पता होता इसका उसको जो है वो थर्ड मैन कहाँ पर है, नहीं पता इसको लॉन्ग ऑफ का लड़का कहाँ है, नहीं पता इसको जो है वो लॉन्ग ऑन का लड़का कहाँ है, मतलब कवर पे कौन खड़ा है, मतलब पूरी फील्ड आपके उसको पता ही नहीं है कौन कहाँ पे खड़ा है, अपनी मर्जी से पटके जा रहा है। कल पटकने का हमने नुकसान देख लिया, कल पटकने का हमने खामियाजा भुगत लिया, पाकिस्तान की तारीख का इससे, क्रिकेट की तारीख का इससे बदनुमा धब्बा नहीं हो सकता था जो कल पाकिस्तान की टीम को मिला है, जो कल पाकिस्तान की टीम को मिला है यकीनी तौर पर इससे बुरा नहीं हो सकता था, इससे बदतर नहीं हो सकता था और इससे कहीं ज़्यादा शायद पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। पाकिस्तान टीम को ये मैच वन साइडेड जीतना चाहिए था लेकिन इन टेपियों की वजह से, इन बॉलर्स की वजह से और बैटर्स की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान टीम हारी है, शायद ये दाग धुलने में साल तो कम हो जाएंगे, दहाइयाँ लग जाएंगी, शायद दहाइयाँ भी ख़त्म हो जाएँ, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान को नौमौलूद बच्चों ने मारा और आखिरी ओवर कराया था हारिस रऊफ ने, जहाँ से मैच बराबर करवा दिया। जब आप मैच बराबर कराओगे वो तो उनको तो वो एक पॉइंट चाहिए था, जब उनको छोटी टीम को एक लम्हा चाहिए होता है, एक मोमेंट चाहिए होता है, वो मोमेंट उन्होंने ग्रैब कर लिया, वो मैच आपसे जीत गए। लास्ट ओवर में 18 रन पड़े वो एक अलग बात है लेकिन वहाँ मैच बचाया जा सकता था। 19वां ओवर आमिर ने बहुत अच्छा किया, अच्छे तरीके से उसने रन बचाए लेकिन टेपिया आया, टेपिया ने अपने साथ पटकता गया, बाद में सुना सर पकड़ के बैठा हुआ था। अब ऐसा सर पकड़ना हो तो फिर क्या फ़ायदा यार, मतलब ये हार हजम नहीं हो रही, ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही कि पाकिस्तान इन नौ मौजूद बच्चों से हारा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान की टीम है और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, हम माजी में आयरलैंड से भी हार चुके हैं, अफगानिस्तान से भी हार चुके हैं, हम जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, USA से भी हार गए हैं, अल्लाह जानता है आगे किस किस से हारेंगे, आगे तो कनाडा भी है, आयरलैंड भी है, पता नहीं वर्ल्ड कप का क्या सिनेरियो बनता है।